बड़े मेहनती मजदूर हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। बैठिए तारिक भाई, तारिक भाई हमारी ऑडियंस को बोलें लाइफ ऑफ कराची को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइफ ऑफ कराची को लाइक करें, जो कुछ भी है सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ ऑफ कराची को खुश आमदीद। कराची की दुनिया में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है आइए चंडीगढ़ रोड के ऊपर पार्किंग, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको पार्किंग का इश्यू होता है, तो मैंने सोचा आज की आपको थोड़ी सी आपके पार्किंग की जो सूरत हाल है वो दिखा दें, ताकि अगर आप आइए चंडीगढ़ रोड पे आते हैं तो सूरत हाल को देख के बाइक या गाड़ी लेके आए तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप कहाँ पे आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पार्किंग वाले हैं उनसे इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके मसले मसाइल कहाँ हैं और ये इतनी महंगी पार्किंग चार्ज क्यों करते हैं और इसके पीछे कौन से अनासिर हैं। ठीक है, ओ भाई कौन है ये पार्किंग वाला, आ जाओ इधर आ जाओ। आज ये आई चंडीगढ़ रोड टेक्सटाइल प्लाजा के सामने ये हमारा पार्किंग वाला है। यार नाम क्या है तुम्हारा? नवाज। नवाज? शाह नवाज। शाह नवाज, नवाज कहते हैं। ये क्या है यार, ये पार्किंग तुम पैसे ले रहे हो? ये गाड़ियाँ है ना, ये हमारे पास ऑफिस की भी है, आउटडोर की भी है, और इस तरह ये हमारे पास लगाते हैं, उठने से हम बचाते हैं, उठने से बचाता है। तो ये तो फिर सरकारी जगह नहीं है ये, तुम क्यों सरकारी है? तो ये क्या हिसाब क्या होता है अगर मैं यहाँ पे आके गाड़ी लगाऊं आपके पास, तो क्या हिसाब किताब है? ये 20 रुपया भी है और शाम तक भी है। तो ये घंटे का हिसाब है या दिन का हिसाब है, महीने का हिसाब है, क्या है? हमारे पास होती थी पहले शाम की गाड़ियाँ, अभी मेरे पास आउटडोर की गाड़ियाँ ज्यादा हो गई, तब तकरीबन यहाँ तक निकलती है रोड। यहाँ पे फिर ट्रैफिक भी जाम होता होगा, काफी ज्यादा। ये बताओ कितने कमा लेते हो सबसे? ये इतना तो नहीं है, इतना बचत नहीं है कितना हम आगे। ये जिस तरह से बाइक लगी है तो अकेले बंदे का काम नहीं है, और लोग भी है तुम्हारे साथ? और आते 2 बजे। अभी कोई है? तुम ये अकेले हो? फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, कजन लोग है, कजन भी है। पख्तून दे ना, पख्तून दे। जमा पखेरा राग ले। खैर संगदा, क्या खैर है? अमन है, क्या चल रहा है यार? ये क्या तुम लोगों ने तंग करके रखा हुआ है हमको यार, पार्किंग ले लेके यार। क्या तंग करके रखे सर, ये 10-15 रुपए फायदा होता हम लोगों के लिए, आगे भी देना पड़ता हम लोगों को। तो ये किस तरह से ये बाइक इतनी दवा दवा के लगाई हुई है, अगर तुम्हारे अलावा तो इनको निकाल नहीं सकता, अगर मैंने अंदर बाइक निकाल दी मैं तो फंस जाऊंगा, तो क्या करते हो? हम लोग है ना आपकी कमरे में ना, हम लोग निकालेंगे आपकी गाड़ी। तो इसमें तुम कितने कमा लेते हो? 1500-1600 रुपए निकल जाते हैं, सब कुछ दे दो आके बांट बांट के दिहाड़ियाँ। और कब से कर रहे हो ये काम? बहुत अच्छा हो गया। ये जग्गी पुश्ती काम करता रहे हमारे अप्पा दादा, 25 साल से। तुम 25 साल से? उम्र 25 साल नहीं लगता। मैं मेरा खुद इधर 15 साल हो रहा है। मैं दाढ़ी मूछ नहीं था। अभी शादीशुदा है? अभी कैसे खर्चा चलाते हैं? 1500 रुपए कमाता है, 6-4 चला रहे घर, लेकिन ये थोड़ा सबको देना पड़ता है। चलो यार, ये हमारे शाहनवाज भाई थे और ये हमारे तारिक भाई थे। शाहनवाज और तारिक से हमने राय चंडीगढ़ रोड पे इंटरव्यू किया। एक और हमारा साथी आई है, नाम तो बता दो। करम वाला पाला दाल शर्मा गया भाई, शर्मा गया। चले जी, अभी हम और लोगों से भी इंटरव्यू करेंगे, तो तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। चले जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। बोल दो लाइफ ऑफ कराची को सब्सक्राइब करें, लाइफ ऑफ कराची को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो ये क्या हिसाब किया? नाजरीन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम जो है वो ग्रो कर रहे हैं। और आज जो हमने पार्किंग के मसाइल के ऊपर बात करी, पार्किंग के मसाइल को डिस्कवर करने की कोशिश करी आई चंडीगढ़ रोड पे, और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइफ ऑफ कराची को सब्सक्राइब करें। और ये तो लास्ट की बात है, देखिए अगर आपको मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो भाई यार इधर आए, इधर आए, इधर हम लोग जो है ना मेहनत कर रहे, तुम तो खुद ही देखा ना, 10-20 रुपए के लिए गाली है।